हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज के वीडियो में मैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत ही सुंदर सा सोफ़ा सेट बनाऊंगी, वो भी मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी की सहायता से। तो एज़ यू कैन सी, ये जो मैच बॉक्सेस यहाँ पे रखी हुई हैं ये सब न्यू हैं। कान्हा जी के लिए हम किसी भी पुरानी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं न्यू मैच बॉक्सेस का यूज़ कर रही हूँ। और इनके थ्रू आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत ही सुंदर सा सोफ़ा सेट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 6 मैच बॉक्सेस ली हैं और उनको मैं फेविकॉल की हेल्प से इस तरीके से आपस में पेस्ट करूँगी। गाइस, ये जो सोफ़ा सेट आज हम बनाएंगे उसमें जो सोफ़े का साइज़ होगा वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप थोड़ा बड़े साइज़ का बनाएँ। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे फेविकॉल लगाते लगाते हमें सभी मैच बॉक्सेस को आपस में जॉइंट करना है। दो दो के पेयर में जॉइंट करने के बाद अब इन सबको मैं आपस में जॉइंट करूँगी। गाइज, ये बहुत ही यूनिक वीडियो है जो अगेन पूरे YouTube पे अभी तक मैं ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और साथ ही मैंने ऑलरेडी कान्हा जी के लिए बहुत सारे DIY शेयर किए हैं, वो भी आप ज़रूर चेक करें। मैंने सभी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो देखिए, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे 3 मैच बॉक्सेस को मैं इस तरीके से लंबाई में ज्वाइन करूँगी। देखिए, फेविकॉल लगाते लगाते हमें इन्हें भी ज्वाइन करना है। ये पेस्टिंग फेविकॉल से बहुत ही ईजीली हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक इस तरीके की प्रिंटेड शीट और इसकी सहायता से हम मैच बॉक्स को कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे इस प्रिंटेड शीट को मैंने कट कर लिया है और इसकी सहायता से हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके कॉर्नर्स पे इस तरीके से अच्छे से फेविकॉल लगा रही हूँ। आप पेस्टिंग किसी भी ग्लू से कर सकते हैं, फेविकॉल, फेविबॉन्ड, या फिर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो उसका भी यूज़ करें। ग्लूगन है तो ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। और अब जहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ उतना हिस्सा आपको कट करना है। ये इसलिए मैं कट करूँगी ताकि जब हम इसको पेस्ट करें तो थोड़ा इजी पड़े। देखिए, ये हमने कट कर लिया है और अब हम इसको फेविकॉल लगा के इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और ये अच्छे से कवर ही हो जाएगा। साइड से कवर करने के बाद इसके बैक पर मैं इस तरीके का एक प्लेन चार्ट पेपर लगा रही हूँ। देखिए, और इसको हमने अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया है। सेम इसी मेथड से जो दूसरा मैच बॉक्स का सेट है उसको भी हम कवर कर लेंगे पेपर से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस पीस को भी इस तरीके से अच्छे से कवर कर लिया है एज़ यू कैन सी। और इसके बैक पे हमने प्लेन चार्ट पेपर लगा दिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया ही था कि कैसे लगाना है। और अब इसके नीचे के एरिया पे हम अच्छे से फेविकॉल अप्लाई करेंगे। और फेविकॉल अप्लाई करने के बाद जो हमारा मेन बेस है मैं उसके साथ इसको अच्छे से इस तरीके से अटैच कर दूंगी। सो एज़ यू कैन सी, एक अच्छी जो है सोफ़ा की शेप में आ गया है। और अब इसके बाद यहाँ पे मैंने किस तरीके का प्लास्टिक कंटेनर लिया है जिसको जो है हम टेबल के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको भी मैं सेम प्रिंटेड पेपर से कवर करूँगी। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, अब इसे कट कर लिया है और इसको इसके टॉप पे पेस्ट करने के बाद ये जो हमने एक स्ट्रिप यानी पट्टी काटी है पेपर की उसको मैं कॉर्नर्स पे ऐसे करके लगा दूंगी। तो देखिए, ये भी हो गया कवर अच्छे से। गाइस, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं ये आइडिया आपको कैसा लगा और आप अपने लड्डू गोपाल के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने मैच बॉक्सेस के थ्रू ही 2 छोटे छोटे सोफ़ाज़ और बनाए हैं। जैसे मैंने आपको बड़ा वाला बनाना दिखाया था कि कैसे आपको मैच बॉक्स को जॉइंट करना है, कैसे आपको प्रिंटेड पेपर से इसको कवर अप करना है, वही सेम चीज़ आपको करनी है। बस ये जो है हमने थोड़े छोटे साइज़ में बनाए हैं। और अब यहाँ पर मैंने किस तरीके से कार्डबोर्ड ले लिया है, ये हम एक प्रॉपर बेस के तौर पर यूज़ करेंगे। और अब इसे मैं एक बहुत ही सुंदर सी प्रिंटेड शीट से कवर कर दूंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट करके रेडी कर लिया है। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ डार्क ब्लू कलर की ग्लिटर शीट और इससे हम अपने सोफ़ा एंड टेबल को डेकोरेट कर लेंगे। देखिए, इसे कैसे डेकोरेट करना है वो मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ।
गाइज, अभी अगर आप मेरा कम्युनिटी टैब डेली देखते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे मैं कुछ व्यूअर्स की क्रिएशंस भी शेयर करती हूँ। अगर आपने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ बनाया है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर करें पिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने सभी सोफ़ा को इस तरीके से ग्लिटर शीट से डेकोरेट कर लिया है, टेबल भी हमने डेकोरेट कर लिया है, देखिए। एंड गाइज, मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अपनी क्रिएशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल कप को पेंट करके डेकोरेट करके उनमें फोम के फ्लावर डाले हैं, इन्हें हम फ्लावर पॉट की तरह यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए इस तरीके की छोटी सी जो है प्लास्टिक का कंटेनर लिया और उसके अंदर मैंने क्ले से, होममेड क्ले से जो है छोटे छोटे येलो कलर के बॉल्स बना के डाले हैं, ये लड्डू का लुक दे रहे हैं एकदम। तो हो गई हमारी लड्डू वाली ट्रे एक तरह से। और यहाँ पे हमने बेस लगा लिया है जिसके ऊपर हम अपने सभी सोफ़ास को रख रहे हैं, और इसके सेंटर पर टेबल, टेबल के ऊपर छोटी वाली हमारी ट्रे और साइड्स में फ्लावर पॉट्स। तो देखिए गाइस, ये हमारा सुंदर सा सोफ़ा सेट कान्हा जी के लिए बनके तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आप अपने कान्हा जी के लिए इसे कब ट्राई करने वाले हैं और इसे ज़रूर बनाएं। बनाने में बहुत इजी है, घर की चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye.